निगेटिव थॉट्स या एंग्जाइटी आपकी लैंगिक कठोरता को मार देगी, किल कर रही है। इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। निगेटिव थॉट्स सेक्स के बारे में यदि आपके मन में है, या एंग्जाइटी है, या घबराहट है, तो उसमें इरेक्शन नहीं होगा, लैंगिक कठोरता नहीं आएगी। क्योंकि लोग मेरे पास में बहुत सारे आते रहते हैं, बोलते कि मैं अकेला जब रहता हूँ तो टाइटनेस आता है, हस्तमैथुन करता हूँ तो टाइटनेस आता है, मगर मैं पत्नी के साथ में जाता हूँ या गर्लफ्रेंड के साथ में होता हूँ तो मुझे टाइटनेस बिल्कुल नहीं आता है। तो यह है परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। एक्चुअली ये परफॉर्मेंस एंग्जाइटी क्या होती है, निगेटिव थॉट्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं, ये समझने के लिए आपको 5 स्टेजेस के बारे में जानकारी मैं दूंगा। इसमें क्या है कि सेक्स का है ना, टोटल उसमें 5 स्टेजेस होते हैं। एक है पहला डिजायर, फर्स्ट स्टेप। दूसरा है अराउजल। तीसरा है प्लेटू। चौथा है क्लाइमैक्स। पांचवा है रिजोल्यूशन। ये 5 स्टेजेस होते हैं। तो पहला है डिजायर, इच्छा होना। तो इच्छा आदमी को हो सकती है, वो थॉट्स दिमाग में आते हैं सेक्स करने की, और वो डिजायर जो है वो डिजायर एक तो ऑटोमेटिक विचार आएंगे या किसकी आवाज सुनने के बाद में आएंगे, किसको देख कर आएंगे विचार, और वो इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, डिजायर थॉट्स। और वो इच्छा उत्पन्न हो जाती है तो उसके बाद में होता है सेकंड स्टेज, और वो है अराउजल। अराउजल में क्या होता है कि आपकी नाड़ी जो है पल्स वो बढ़ जाएगी, छाती में धड़कन होंगी, हाथ में कंपन आएंगी, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आएगा, बॉडी गर्म हो जाएगी और इरेक्शन हो जाएगा। लिंग में करीब करीब 100 ml से लेकर 150 ml तक खून अंदर जाएगा, घुसेगा, ताकि लिंग एकदम कठोर हो जाएगा। जितना ज्यादा अराउजल उतना ज्यादा कठोरता है, और लिंग कठोर होके मतलब आदमी को वो पुरुष को वो तैयार करता है एक्साइटमेंट में या अराउजल में कि नहीं आप अभी इंटरकोर्स को तैयार हुए हैं। उसके बाद में आता है प्लेट्यू। प्लेट्यू मतलब अभी एक ऐसी स्टेज आती है कि इसके बाद में एक्साइटमेंट रुक जाती है, मतलब अटमोस्ट स्टेज है कि भाई अभी एक्साइटमेंट यहां तक आ गए, तो अभी पेनिट्रेशन करके अभी डिस्चार्ज करना जरूरी है ऐसा लगता है। उस समय पुरुष को भी लगता है कि अभी मैंने डिस्चार्ज करना चाहिए, पतन करना चाहिए। स्त्री को भी लगता है कि नहीं, अभी मुझे जो चरम सुख है, अत्युच्च अवस्था, तृप्ति की अवस्था, अत्युच्च अवस्था, वो अभी उसके लिए मैं तैयार हो गया हूँ और अभी पुरुष ने वो करना चाहिए। तो उसमें वो पेनिट्रेशन में और जोर से पेनिट्रेशन करके और फ्रिक्शन करके उस समय ऑर्गेजम करता है, या क्लाइमैक्स बोलते हैं कि जिसमें इजैकुलेशन होता है, मतलब उसमें वीर्यपात होता है, और उसमें जो कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं पेनिस के बेस में और पेनिस में, या पूरे जो कॉन्ट्रैक्शंस बॉडी में आते हैं, तो उसकी वजह से उसको एक चरम सुख मिलता है, पुरुष को भी मिलता है, स्त्री को मिलता है, उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स या ऑर्गेजम। ये चौथी अवस्था है। और उसके बाद में 5वीं जो है वो है रिजोल्यूशन, मतलब खून वापस जाना, लिंग की कठोरता खत्म हो जाना, रिलैक्स हो जाना, शांत हो जाना, थकान आना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले है डिजायर, दूसरा है अराउजल और एक्साइटमेंट, तीसरा है प्लेट्यू, चौथा है क्लाइमैक्स या ऑर्गेजम, और पांचवा है रिजोल्यूशन। अब ये 5 स्टेज में से व्यक्ति जाता है, पुरुष। अब जब 5 स्टेजेस है तो पहला जो है वो डिजायर। अब डिजायर में वो मतलब वो स्टेज में यदि प्रॉब्लम है, डिजायर के समय थॉट्स आना जरूरी है, इच्छा होना जरूरी है। अब समझो आपके दिमाग में निगेटिव विचार चालू है, बहुत सारी निगेटिविटी है, डर है, टेंशन है, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, पैसे के बारे में टेंशन है, झगड़ा चालू है पति पत्नी में, उसके बारे में विचार चालू है, फाइनेंशियल बर्डन है, मतलब कुछ तो भी ऐसा दिमाग में चालू है, और दिमाग आपका पूरा विचारों से भरा हुआ है, टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, घबराहट, रेस्टलेसनेस में दिमाग पूरा भरा हुआ है। अब ये जब डिजायर ही नहीं पैदा होंगी तो आगे की स्टेज कैसी होगी, पॉसिबल ही नहीं है। तो निगेटिविटी कैसी अफेक्ट करती है, एंग्जाइटी कैसी अफेक्ट करती है, आपको समझ में आया होगा कि एंग्जाइटी या निगेटिविटी पहले ही स्टेज में डिजायर ही पैदा नहीं करती, और डिजायर पैदा होती है मगर इतनी धड़कन बढ़ जाती है, इतनी सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो अपनी बॉडी की है वो इतनी जोर से काम करना चालू करती है कि सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इतनी तेज भागना चालू करेंगी कि एक्साइटमेंट आएगा ही नहीं, अराउजल होगा ही नहीं। अराउजल होने के लिए, एक्साइटमेंट के लिए पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होना जरूरी है, आदमी रिलैक्स होना जरूरी है, दिमाग में सेक्स के विचार आना, सेक्स में वहाँ पूरा 100% वहाँ रहना, पूरा प्रेजेंट टू द प्रेजेंट रहना, वही विचार आना वो जरूरी है। और वो यदि आते हैं तो डेफिनेटली अराउजल होगा, अराउजल होने के बाद में प्लेट्यू होगा, फिर बाद में ऑर्गेजम होगा, बाद में रेजोल्यूशन होगा। तो आपको यदि एंग्जाइटी है, घबराहट है, टेंशन है, फाइनेंशियल बर्डन है, बहुत सारे नेगेटिव विचार चालू है, ओवर थिंकिंग है, ऐसे इसमें जबरदस्ती सेक्स मत करो, क्योंकि सेक्स करेंगे
हो सकता है कि आप गर्लफ्रेंड के पास में गए तो वहां नाराजी हो जाएगी, वाइफ के साथ में भी वाइफ नाराज हो जाएगी और आपको भी धक्का बैठेगा। होता क्या है कि समझो शादी हो गई, फर्स्ट नाइट है, फर्स्ट नाइट में ही समझो ऐसा धड़कन चालू हो गई, घबराहट हो गई और फिर होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं है, फर्स्ट नाइट में फेल हो गए तो बहुत बम्बा बम हो जाती है कि नहीं ये आदमी में नहीं है, प्रॉब्लम है ऐसा वैसा। तो ऐसे इसमें यदि आपको बहुत नेगेटिविटी है, बहुत डर है, बहुत एंग्जाइटी है तो आपने प्रोफेशनल हेल्प लेना जरूरी है, या तो फिर कुछ समय के लिए आपने कुछ मेडिसिन लेना जरूरी है, एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स और इरेक्शन करने वाले मतलब PDE5 इनहिबिटर्स लाइक सिल्डेनाफिल, टैडालाफिल, वर्दानाफिल, एवेनाफिल, कि जिससे घबराहट भी रही ना, थोड़े विचार भी आ गए तभी उसमें अच्छा इरेक्शन आ सकता है। और ये मेडिसिन फिर अपने आप को एक तसल्ली भी देती है कि नहीं अभी मैंने मेडिसिन ली हुई है ना, अभी मैं कर सकूंगा। जैसा वो बाहर जो मेडिसिन मिलती है ना दवाइयाँ, उसके ऊपर घोड़े का चित्र रहता है, बैल का चित्र रहता है कि भाई आप घोड़े जैसा बन जाओगे ताकतवर, बैल जैसा बन जाओगे ताकतवर। एक्चुअली वो दवे में रहता है वही सॉल्ट जो मैं बोल रहा हूँ। तो इस तरह आप यदि मदद लेते हो तो डेफिनेटली प्रोफेशनल हेल्प से फायदा होगा और आपका सेक्स लाइफ अच्छा हो सकता है। तो ये परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी आपका इरेक्शन जो है वो खत्म कर सकती है। इसलिए रिलैक्स रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, टेंशन फ्री रहो, ताकि आपका सेक्स लाइफ अच्छा रहेगा। वीडियो आपका अच्छा लगा था जो लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन कैसे ठीक करना और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।